ये आए थे आज यहाँ पे चोरी करने, और यहाँ से आज से दो साल पहले भी इन्होंने दो तीन बार यहाँ चोरी की है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ये देखो ये है इनके कारनामे, इतने धड़ल्ले से ये लोग आते हैं चोरी करते हैं। ये देखो पूरा पूरा इन्होंने खोल के बांध के सारा कुछ तैयार करके रखा है। मगर तने नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कलेनी भाला से सामने आ रही है, वहाँ पर एक चोरी की वारदात जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर हुई है। वहाँ पर जो वहाँ के पुजारी थे या नंबरदार थे, उन लोगों ने कुछ लोगों को वहाँ पर पकड़ा है। एक ऑटो भी वहाँ पर पकड़ा गया है। ऑटो का जो नंबर है JK06B4612, ये जो ऑटो है ये इकबाल जावेद भट्ट सन्नाप मोहम्मद फारूक भट्ट जो सोरा भाला के रहने वाले हैं उनका ये ऑटो है। बाकी जो लोग इसके अंदर थे वो भाग गए हैं। ऑटो को वहाँ पर पकड़ा गया है। ये चोरी की वारदात से वहाँ पर आए थे। पहले जितने भी वहाँ पर जो बेंचेस हैं उनको जो खोलने की कोशिश की जा रही थी, पूरा सामान जो उन्होंने इकट्ठा किया था, उसके बाद जो मंदिर के अंदर चोरी उन्होंने करनी थी, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे, जो पुजारी थे, जो नंबरदार थे, उन्होंने उनको वहाँ पर रोका और उनके ऊपर जो हमला किया गया है, नंबरदार के ऊपर जो किसी धारदार हथियार के साथ जो हमला किया गया है। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए जो उस वक्त मौके वारदात पर जो मौजूद थे उन्हीं से बात करेंगे। ये उसी वक्त जो जब ये पूरी वारदात हुई वहाँ पर जो सामान इकट्ठा किया गया था, तो उस वक्त ये उसी जगह पर थे। इनसे पूछेंगे। जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी सर जी। क्या ये पूरी वारदात हुई जो इस वक्त जो खलेनी टॉप में पेश आई है, कुछ सामान चोरी करने की वारदात बताई जा रही है? सर जी, ऐसा 7 बजे की बात है, तो मैं घर में ही था, तो ये हमारे नंबरदार जी जो थी, तो ये इधर से इनकी दुकान भी इधर ही इस रोड में ही थी, तो इन्होंने एक आटे को देखा जाके आगे इस स्पॉट पर आगे, तो यहाँ से उसने आवाज दी उनको, तो वो चले गए आगे, तो वो पीछे से ये चला गया। तो वो पहुंचा उधर, तो उधर वो गाड़ी थी, उधर ही रुकी हुई गाड़ी थी, तो उधर उसने सोचा कि ऐसे कुछ है, कुछ इसमें है मसला। उधर से फिर वो वापस आ गए, इसने फोन कर दिया इधर, फिर कोई 15-20 आदमी, और यहाँ से ये हमारी जो ये विलेज डिफेंस कमेटी जो थी वो सभी चले गए। हम तो पहले हम नीचे से गए, जो मेन गेट था नीचे वाला जहाँ पर गाड़ी रुकी थी, तो 8-10 बंदे उधर से गए और 10 बंदे दूसरे गेट से निकले जी। क्योंकि पहले भी वारदात यहाँ पर हुई थी, मंदिर की चोरी होती थी, 3 बार हो गई यहाँ पर, तो अभी तक वो ट्रेस नहीं हुई जी। तो इसलिए हम सबसे पहले हम चले गए मंदिर में ही जी। तो वहां पर देखो तो मंदिर का जो था लॉक जो था ताला वगैरह वो ठीक ही था, तो उधर से नीचे गाड़ी वाले जो थे हमारे जो ये VDC वाले और लोग जो थे, तो नंबरदार थे साथ में, तो वो उधर से वो भागे ऊपर से, जैसे उसे पकड़ उसने उसको उस उधर से उसने मारा उसको, ये 3-4 उंगलियों में जख्म आ गया जी। तो हाँ, जो जब हम घेरा लगे देने तो वो वहां से निकल गए, तो गाड़ी रखी हमें, क्योंकि वो 5-7 हमारे वो ये थे ना बेचने के जी, उन्होंने उसको वो उसकी वो जो ये थे पुर्जे वुर्जे वो जो सभी वो पूरा उन्होंने निकाल दिया था, बोरियां थी लाई हुई उन्होंने ऑटो में, पूरा सब कुछ वो पाने शाने वगैरह वो पूरे वहां पर वो पकड़ा गया, वो पूरा 7-8 थे वो 10 बैठने वाले बेंच, तो वो उन्होंने वो उनको निकाल दिया था, वो 7-8 बेंचों का सामान जो निकाला था निकाला पूरा, अब उन्होंने उनको लोड करना था, और लास्ट में फिर उनका था कार्यकर्ता जो बैंक इसका जो मंदिर का, क्योंकि ये 3 बार ये हुआ भी है ना पहले, तो अभी तक वो ट्रेस नहीं हुआ है सर जी। तो अब ये लास्ट में करना था उन्होंने उसका, लास्ट में मंदिर का था, क्या उन्होंने वो बोरे शोरे उसमें वो भरकत थी, बड़े बड़े बोरे लाए थे उन्होंने। कितने लोग थे, कोई अंदाजा आपको कितने लोग थे उस ऑटो में वहां पर आए? ऑटो में तो इधर से गए थे दो जी, जो देखे थे, क्योंकि नंबरदार की दुकान भी वही है रोड में ही है, उन्होंने उसको देखा था जी। वो आगे फिर वो मिलते ना सर, क्योंकि वो दो से दो का काम नहीं था, वो 4 से
चार से कम दो का काम नहीं वो, क्योंकि वो आठ दस जो बेंच थे वो उन्होंने वो निकाल दिए थे, क्योंकि उसमें वो सठ सठ सत्तर सत्तर किलो का तो एक एक ही है वो साइड वाला जिसमें वो देगी जो इसमें ये बेंच जो है ना वो लोहे का। तो इस वक्त क्या पुलिस वहां पर पहुंची है, एडमिनिस्ट्रेशन जो बहाल है वहां पर पहुंची? अफसर साहब फिर फोन किया नंबरदार जी ने इसको तहसीलदार साहब को, फिर चौकी अफसर को भी फोन किया तो वो पहुंच गए, तो उन्होंने मुआयना देखा, मुआयना किया देखा उधर वीडीसी वाले भी रखे उन्होंने उधर पैर में, क्योंकि गाड़ी भी नीचे ही लगी हुई है। तो सर बस यही है, तो यहाँ से बहुत तो, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो चोरी की वारदात वहाँ पर जो की गई है, पूरा सामान आठ दस जो बेंचेस वहाँ पर थे जो पार्क के अंदर थे उनको जो खोल कर रखा गया था, उनको जो वहाँ पर पैक किया जा रहा था गाड़ी में वो डालने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आए, लोगों ने उनको रोका और उनके ऊपर जो उन लोगों ने हमला भी किया, वहाँ पर एक गाड़ी को जो बरामद किया गया। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह इस मामले में लगी है, तहसीलदार भाला और जो चौकी अफसर भाला हैं वो फिलहाल उस गाड़ी को उन्होंने ट्रेस किया है। गाड़ी का नंबर मैं आप एक बार फिर से आपको बताऊँ, JK06B4612 जो ऑटो बताया जा रहा है ये इकबाल जावेद भट्ट सन्नाप मोहम्मद फारूक भट्ट जो सोरा भाला के रहने वाले हैं जिनका ये ऑटो है, ये लोग उसके अंदर कौन थे फिलहाल इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल गाड़ी को वहाँ से पकड़ा गया है और ये सामान और कुछ और भी औजार जो उनके पास थे वो उनके पास से जो बरामद किए गए हैं फिलहाल वो जो मौके वारदात से जो इस वक्त फरार है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद। ये आए थे आज यहाँ पे चोरी करने और यहाँ से आज से दो साल पहले भी इन्होंने दो तीन बार यहाँ चोरी की है, लेकिन इनके ऊपर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ये देखो ये है इनके कारनामे, इतने धड़ल्ले से ये लोग आते हैं चोरी करते हैं। ये देखो पूरा पूरा इन्होंने खोल के बांध के सारा कुछ प्यार करके रखा है।